हाई एवरी वन कैसे हो आप लोग आई एम गुलाब सांस अगेन टू अनादर से टॉक अबाउट द रिविजन ऑफ आर बी आई टू फोर सेवन फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर सेप्टेंबर में जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए थे थ्रू द आर बी आई टू फोर सेवन वीडियो सीरीज एंड अदर Special sessions, all of these will be covered today in today's session. So, why to delay today's session as it was mostly requested by you all? So, let's get started without any further delay now. But before that, if you have still not downloaded our app, you can do so by going on to the Google Play Store. Again, I'm emphasizing download this app in order to leverage. Or take the maximum benefit of this app. Now let's move forward to the very first question, which says recently RBI has launched a pilot project for end to end digitalization of Kisan credit card. Now, which of the following has developed this project? now the answer is simple. we have already discussed the correct answer is reserve bank innovation hub. as you all know, this is a section 8 company and it is a wholly owned company of wholly owned subsidiary of rbi. section 8 company gakya ka it is a non-for-profit organization or its main objective here that it wants to innovate in order to financially include all the population of india. simple. डेलप किया है वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग पार्टनर फॉर मध्य प्रदेश इन डिजिटलाइजिंग दैंडिंग स्कीम यह भी हमने पढ़ा हुआ है द करेक्ट आंसर इज ए

रॉन्नाडु में होगा मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु सेकेंड स्टेटमेंट सीज फेडरल बैंक विल बी दैंकिंग पार्टनर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अगेन रॉन्ग हमने क्या पढ़ा अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ठीक है

As I have also mentioned, it is a Section 8 company under the Companies Act 2013. Correct. It is a wholly owned subsidiary of RBI inaugurated in Tamil Nadu. Again, this is wrong. This was inaugurated by the RBI governor, the present RBI governor Shakti Kantatas, in the state of Karnataka and in the city Bengaluru. The so, Bengaluru is launched by RBI governor. ठीक है तो दिस स्टेटमेंट इज रॉंग एंड थर्ड सेज द हब वांट्स टू ब्रिंग वर्ल्ड क्लास इनोवेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया कपल्ड विद द अंडरलाइन थीम ऑफ डिजिटल लिटरेसी अगेन दिस इज रॉंग डिजिटल लिटरेसी नहीं है इसका अंडरलाइन थीम व्हाट इज द अंडरलाइन थीम द अंडरलाइन थीम इज फाइनेंशियल इंक्लूजन तो याद रखना जो हमारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है उसके तीन बेसिक मोटो या मिशन है दैट इज फर्स्ट इन ऑर्डर टू इनोवेट सर्टन न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन इंक्लूजन एंड देन सीइंग द इम्पैक्ट थ्री आई इज द मिशन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब दैट इज इनोवेशन इंक्लूजन एंड सींग द इम्पैक्ट ठीक है तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स व्हिच आर टू एंड थ्री ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग फॉरवर्ड

कंज्यूमर्स रियल टाइम कंज्यूमर्स रहेंगी यू कैन टेस्ट योर प्रोडक्ट यू कैन आइडेंटिफाई वॉट इज अूएसपी प्रोडक्ट वॉट इज अूएसपी ऑफ दैट प्रोडक्ट वॉट आर दैलेंजेस दट दिस प्रोडक्ट इज हैविंग एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव दैम तो दिस इज रेगुलेटरी सैनबॉक्स जहाँ पे लाइव टेस्टिंग इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है इन अ कंट्रोल्ड मैनर अब एच डी एफ सी बैंक ने कौन सा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट ऐसा डेवलप किया था दैट हैज बीन सिलेक्टेड बाय आरबीआई इट इज नन अदर देन ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स तो कोहोर्ट वन के अंदर एज यूर सेट अंडर आर बी आई रेगुलेटरी उसमें से जो कोहोर्ट वन है इसका थीम था रिटेल पेमेंट्स और इसी के अंदर एच डी एफ सी बैंक को सिलेक्ट किया गया है एंड द प्रोडक्ट दैट इट इज गोइंग टू टेस्ट इज दाइन रिटेल पेमेंट्स दैट इज दे वॉन्ट टू हैव सर्टन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी So that you can make payment at Kirana stores, at retail stores, even if you do not have internet connectivity. rural India, I you that internet connectivity is very slow, or it is You cannot expect that people could be financially included. So, if this product works, it is going to bring wonders and it is going to have a major impact in financially including the people of India. ठीक है नाउ यहां से एक और इंफॉर्मेशन जो जुड़ा हुआ है इज़ आई टी की सोल्यूशन फॉर बैंकिंग ये भी सेलेक्ट हुआ है अंडर दिस कोहोर्ट वन ऑफ रिटेल पेमेंट और ये इट हैज बीन डेवलप्ड बाय प्रसिशन बायोमेट्रिक्स तो प्रसिशन बायोमेट्रिक्स ने इसको डेवलप किया है इनका क्या कहना है सो दे वॉन्ट दे डेलप सर्टन प्रोडक्ट जहां पर आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा इनऑर्डर टू ऑथेंटिकेट एनी ऑफ योर ट्रांजेक्शन अभी हम क्या करते हैं गूगल पे वगैरह यूज करते हैं ऐसे करने की जरूरत नहीं है अगेन इफ दिस प्रोडक्ट बिकम सक्सेसफुल यूजिंग योर बायोमेट्रिक्स ओनली यू कैन ऑथेंटिकेट एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट इवन एंट्रिंग दासवर्ड तो पासवर्ड लेस हो जाएगा आपका

अब तक पांच कोहोर्ट्स को, को लॉन्च किए गए हैं इन पांचों के थीम्स आप आपको रटे हुए होने चाहिए सो आई एम सपोजिंग कि आपको रटा हुआ है ये पांचों थीम अगर बात करें इन पांचों थीम की सो द फर्स्ट थीम एज आई हैव इज रिटेल पेमेंट्स व्हाट इज द सेकंड सेकंड टॉक्स अबाउट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट तो ये जो है दिस इज योर सेकेंड थीम फर्स्ट इज रिटेल पेमेंट्स ठीक है If we talk about third, थर्ड इज एम एस एम ई लैंडिंग ठीक है आपका प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड एंड फिफ्थ इज न्यूट्रल ये आपका फिफ्थ हो जाएगा तो नाउ दे आर आस्किंग वी नीड टू आइडेंटिफाई द थीम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ थर्ड में आ गया आपका एमएसएमई lending so MSME lending and fifth is neutral, so option A is the correct answer. I hope aapko samajh aa raha hoga Moving forward to the next question. The question says, which of the following items are excluded from RBI's regulatory sandbox testing? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी टेस्टिंग डिफिकल्ट होती है, plus उसके बहुत सारे कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, या क्या पता उनकी लॉज जो हैं that is not up to the mark. राइट इन दैट केसिस हैिप्टो करेंसी मनी ट्रांसफर सर्विसेस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सेटलिंग इन क्रिप्टो एसेट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोडक्ट अगर आपको नहीं भी पता है यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये जो है क्रिप्टो हो गया फिर आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टो एसेट्स हो गया और क्रेडिट रजिस्ट्री दीज आर दी आइटम्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड अब ये बहुत ही वोलेटाइल है इसकी कोई बहुत ही वेल सेटल्ड वेल मेड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है राइट right? तो इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं गया है अब तक आरबीआई इसके रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर 1 2 4 दैट इज ऑप्शन सी Moving forward to the next question, which says we need to identify the incorrect statements with regard to regulatory sandbox. It says regulatory sandbox allows the regulator, the innovators, the financial service providers, and the customers to conduct field tests to collect evidence on the benefits and risk of new financial innovations. So this statement bilkul sahi hai, Second, prevention and mitigation of financial frauds was the third theme. थीम ऑफ दर्ड का क्या था दिस इज द थीम ऑफ फोर्थ थर्ड में हमारा आ जाएगा अगेन दिस इज रॉन्ग ओनली है गलत है ही बिकॉज ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द्लोज थीम्स अगर कोई थीम क्लोज हो गया है उसके लिए भी ऑन गोइंग

अब तो ये जो इंडिया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं करती ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसके अंदर भी एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट होती है इतना डिटेल नहीं जाना यू शुड रिमेंबर दैट इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स आई हैं एंड द द फाइंडिंग्स आर दैट एक्सटर्नल डेट डेट हैज एक्चुअली बाय 8.2 टू लास्ट ईयर तो हम जो बाहर से ले रहे हैं the that has तो ये हमारी हो गई. The आपने ये नहीं पढ़ा होगा आप इसको करेक्ट मार्क करके आओगे बट हियर दिस इज रॉन्ग करेक्ट क्यों मार्क करके आओगे आपको यहाँ दिखेगा अच्छा एक्सटर्नल डेट इंक्रीज हो रही है ऑब्वियसली एक्सटर्नल डेट ऐसे जीडीपी भी इंक्रीज होगी नहीं मार्जिनली इट हैज फॉलन डाउन वन परसन से गिरा हुआ है हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी डी रेशियो विच इज वेरी गुड इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि डिस्पाइट देयर बींग एन इंक्रीज इन एक्सटर्नल डेट हमारा जो जी है It has also increased, and this increase in GDP has led to an overall decrease in the ratio. Theke, external debt to GDP, mein kya hoga? external debt by GDP. So, denominator is If the denominator, denominator is higher, in that case the overall ratio would be lower. I hope this is clear to you. The third statement says foreign currency reserves as a ratio to external debt has increased. Again, this is very wrong.

और इधर आएगा हमारा एक्सटर्नल डेट टोटल एक्सटर्नल डेट अगर न्यूमरेटर कम होगा इन दिस केस आल्सो द रेशियो वुड बी लोअर एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व अ रेशियो टू एक्सटर्नल डेट थिंक आपको ये क्लियर नहीं होगा लेट मी डू इट नाइसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग फॉरवर्ड To the next question. Next question, what uh, is the move? I think this is working, right? Yeah. Uh, I don't know why this is not working. Just a second, guys. Yeah. Moving on to the next question. The question says: Name the economic theory that explains the effect of depreciation on currency. डे ऑफ करेंसी ऑन ट्रेड बैलेंसिस होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, से. या तो आपको ये आता है या नहीं आता तो आपको में रखना है जेकव बोलता, बोलता है कि अगर सपोज किसी भी करेंसी की डेप्रिसिएशन होती है इफ देर इज अशन ऑफ ए करेंसी फॉर एग्जाम्पल

देखो हमें क्या लगता है अगर रुपी की डेप्रिसिएशन होती है वीसी एक्सपोर्ट्स विल बी बूस्टेड बट एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी बूस्ट नहीं होती जितना जल्दी हमें इम्पोर्ट्स को कम करने में टाइम लग जाता है एंड दैट्स द रीजन व्हाई इनिशियली वेन एवर देर इज डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी फर्स्ट विल सी अ करंट अकाउंट बैलेंस टू बी नेगेटिव एंड विथ टाइम इफ द डेप्रिसिएशन कंटिन्यूज देन ओनली वी विल सी एन इंक्रीज पॉजिटिव करंट अकाउंट बैलेंस तो विच विच इज दर्व इट इज दे कर्व और इसका शेप जे शेप में है दट्स वाई द नेम जे कर्व मुविंग फॉरवर्ड द क्वेश्चन सीज वॉट इज द शेप ऑफ Kuznets curve that shows the relation between economic growth and inequality. Ab ye bolta hai? It says with increase in economic growth, agar economic growth is ja raha hai, that is per capita person, per capita income agar increase hoti hai, then with that increase in per capita income inequality badhegi. But after a certain point in time, this inequality will come to a halt and after that the inequality will decrease so what is the shape of kuznet's curve it is an inverted u shape. inverted u shape. moving forward which of the following economic curve shows the relationship between unemployment and, and wage inflation it is none other than the phillips curve abby phillips curve is fully hai nahi, that is fully not supported because contradict kar hai. what does the phillips curve says the phillips curve says that Whenever there is an increase in inflation, that will result in decrease in unemployment. Or with decrease in unemployment, you will have an increase in inflation. If inflation is hoga prices goods and services will be and therefore producers will be producing more goods. Provided there is economic growth into the economy, and with that, more jobs will be created, and this increase in jobs will lead to a decrease in unemployment.

However, अगर आप कैलकुलेशन पर्पज से देखो कि तो उस वक्त हम क्या लेते हैं टू थाउजेंड हो आई सीन सर्टन डाउटन स्टूडेंटर आस्किंग दो हजार बारह होता है शायद सीपीआई फॉर एवरी अदर मेजर कैल्कुलेशन पर्प एवरी के लिए वी टेक टू थाउजेंड

फ्रॉम ओवरसीज जूरिस्टिक्शन रुपी ड्रॉइंग अरेन्जमेंट के अंदर आप फॉरेनर से, से या शुरू हो चुका है आरबीआई बीबीपीएस टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ इन वर्ड फॉरन रेमिटेंसेज तो बाहर से कोई इंडिया में पैसा भेज रहा है या फिर पेमेंट कर रहा है यूजिंग का नहीं हो सकता ओनली इन टू द्वेश्चन एक्शन फ्रेमवर्क अब विच ऑफ द्रू रिगार्डिंग दैट बैंक सो देंक रिमूव फ्रॉम दीसीए लिस्ट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एब्सिल्यूटली करेक्ट सारे बैंक निकल चुके थे बस सीबीआई रह again more information about this bank now this central bank of india is the first commercial indian bank to be completely owned and managed by indians again this is an important fact I claim kiya so this is a correct stat, a correct statement and the third statement says the bank is a nationalized bank true which comes under the ownership of ministry of finance so this is also an important information and this is also correct

फाइनेंस कंपनीस एन बी एफ सीज और ही करता है बट सिंस यहाँ पे आर बी आई मैं नहीं है फॉलो करना पड़ता है एस पर नाबार्ड तो वॉल्ट्री है बट ये फॉर द रीजनल रूरल बैंक तो वट विल बी दिन टू थ्री दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सिंपल आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एरिया फॉर मॉनिटरिंग स्ट्रेस्ड बैंक्स अंडर आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क अब देखो ये जो प्रॉम्प्ड करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मतलब आपको पता होना ही चाहिए इफ़ यू आरिंग रेगुलेटरी एग्जाम है अगर आप वहां फेल करते हो देन यू आर केप्ट अंडर दिस फ्रेमवर्क वॉट आर दिस सो दीज आर नन अदर देन देर थ्री इन टोटल फर्स्ट इज दैपिटल एडुकेश रेश जिसको हम कॉमन टीयर वन रेशियो भी बोलते हैं and the second is net npa ratio up non-performing assets kitna hai? and third is tier 1 leverage ratio what is the leverage the so 1 2 and 4 1 2 4 which is not a key area so these are the included areas not a key area would be profitability and return on assets that is 3 and 5 uh, yeah 1 3 and 5 do you see the option here not a key area the 3 and 5 is not and so there is no option is given here we can make option b right 3 and 5 to be the correct answer so capital adequacy net NPA, and tier 1 leverage ratio 3 and 5 is not there i hope this is clear to you moving forward to the next question क्वेश्चन सी इज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस पे जैसे आप डोनेशन रिसीव करते हो उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है एंड थ्रू थ्रू यूजिंग दिस एक्सचेंज यू कैन नाउ टेक डोनेशन एंड द नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द पीपल फॉर द कम्युनिटी कैन रेज फंड यूजिंग दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज तो फॉर दिस अमेंडमेंट्स कहाँ करने पड़ेंगी विच ऑफ देशमेंटेड सो दे आर थ्री बेसिकली फर्स्ट इज आई सी डी आर इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट एंड थर्ड इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड थ्री एंड फाइव वन थ्री फाइव सी इज द करेक्ट आंसर moving forward to the next question the question says in order to be eligible to be a social enterprise under the social uh, stock exchange framework issued by sebi what is the minimum annual spending aapko minimum annual spending kidney in the last year it should be 50 lakhs so d is the correct answer i hope you are clear moving forward to the next question the question says what is the minimum initial financial statement disclosure requirement

आपके बहुत सारी न्यूज पेपर्स में आते हैं सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस टर्म बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस तो क्वेश्चन आ सकते हैं राइट सो वॉट इज बर्न रेट रिफर्स टू इट रिफर्स टू द रेट जितने भी विचनी करती है किस रेट पे वो उसको यूज कर रहा है दैट इज नोन बर्न रेट

न मेक दाउ यूजिंग दू भी होता है पे लेटर सिस्टम पेमेंट लेटर फ्लिपकार्ट पे लेटर पेमेंट आप एक महीने बाद कर दो विथ नो इंटरेस्ट जीरो इंटरेस्ट लेते हैं ये एंड इफ यू मेक द पेमेंट ऑन टाइम तो फिर ये आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है ना जिस स्मॉल लाइन ऑफ क्रेडिट है दिस लिमिट ऑल्सो गेट्स इंक्रीज

सेकेंड सीज इन केस ऑफ इक्विटी फंडिंग इक्विटी फंडिंग आपको पता है यू आर गिविंग सर्टन परसेंटेज ऑफ दशिप ऑफ दंपनी टू सम

जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो दैट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ रुपी एस वेल एंड आरबीआई अप्रूवल और परमिशन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन न्यूज एमर्जिंग इन्वेस्टमेंट वहीकल सच एस रीट एंड इन विच टू इशू कमर्शियल पेपर्स अब ये भी कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं What is the eligibility criteria in terms of net worth? क्या सारे रीसर्च इन्वेस्ट कर सकते हैं? नो, only those रीसर्च इन्वेस्ट who are having a minimum net worth of rupees 100 crores are eligible to issue commercial papers. Moving forward, the question says we need to identify the correct statements. The first says cooperative banks can accept deposits as well as extend loans. Now this is correct. These are a kind of banks. अगर cooperative societies होती तो difficult होता. answer करना

टे ठीक है सो यूसीबीज आर रेगुलेटेड बाय आर बी आई तो हमें वन इन थ्री मिल गया करेक्ट आंसर ऑप्शन ई इज द करेक्ट सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन करेक्ट कैटेगराइजेशन फॉर बीट इज इन टीयर थ्री तो आर बी आई ने टीयर वाइज क्लासिफिकेशन की है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की टीयर वन में अप टू हंड्रेड करोड़ आ जाते हैं डिपोजिट साइज अगर हंड्रेड करोड़ है आपकी तो उसके बाद टीयर टू में आएगा हंड्रेड टू वन थाउजेंड एंड टीयर थ्री विल बी वन थाउजेंड टू टेन थाउजेंड टीयर थ्री में क्या आ जाएगा Option D that is UCBs with deposits between 1000 to 10,000 will be categorized as tier 3. And tier 4 will be more than 10,000. Important hai yaad rakhna moving forward. What is the risk of legal or regulatory sanctions or loss of reputation called that is caused as a result of its failure to comply with the law. Agar aap laws, jo laws, regulations, rules, ya codes of conduct if you are not complying with that laws then you

ठीक है, क्वेश्चन कंट्री में आप बॉन्ड इशू कर रहे हो दैट इज डिनोमिनेटेड इन देयर लोकल करेंसी सपोज इफ यू आर इशूइंग सर्टेन बॉन्ड इन लेट्स से चाइना अगर आप चाइना में इशू कर रहे हो एंड यू आर चाइनीज़

foreign कंट्री डिनोमिनेटेड इन द लोकल करेंसी नोन एज इसका क्या मतलब हुआ इंडिया में कोई कंपनी है राइट सो देर इज अ कंपनी इन इंडिया दैट इज ट्राइंग टू इशू सर्टन बॉन्ड्स इन चाइना चाइना में इशू किया रेनमिन में इशूइंग इन जापान जापान में भी इशू कर रहे हो वाओ जापान में किस में इशू होगा येन में

और नाउ दे आर सेइंग कि ऐसा नहीं है दे आर सेइंग सिंस देयर आर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम यूएस डायरेक्टली अब यूएस से डायरेक्टली नहीं इशू कर सकती इट हैज इशूड द बॉन्ड्स इन जापान बट डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स ये क्या हुआ अब आप डॉलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर बॉन्ड्स इशू करना चाहते हो एंड अब यूएस में

So नेक्स्ट रुपी? रुपी क्वेश्चन है तो इनमें से कौन सी रीजन होगी द फर्स्ट रीजन सीज डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन दू एस अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो डेप्रीसिएशन नहीं होगी एप्रीसिएशन होगी रूपी की बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताती हूँ वेन एवर देर इज सपोज इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएस डिक्रीज पीपल विल टेक आउट मनी फ्रॉम यूएस एंड दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया बाय डिमांडिंग रुपी रुपी डिमांड करेंगे और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो दिस इज रॉन्ग द सेकेंड स्टेटमेंट से इज इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी येस अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन इंक्रीजेस योर प्रोडक्ट बिकम्स एक्सपेंसिव एंड दट द रीजन वाई Your product becomes expensive. Your export competitiveness will be hampered, and that will result in depreciation of the currency.

और यूएस में थ्री पॉइंट टू परसेंट मिल रहा है पर्सन विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन यूएस ओनली बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क देर इज अनादर रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉर कंट्री नॉन एज दी एक्सचेंज रेट रिस्क ठीक है तो जैसे जैसे ये नैरो होता जाएगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पीपल विल बी लेस ल्यूक्रेटिव टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया सपोज इंडिया में थ्री पॉइंट फाइव है और यूएस में पॉइंट फाइव है पीपल वुड रन टू इन्वेस्ट इन इंडिया आई होप दिस क्लियर टू यू सो रीजन क्या क्या निकले हमारे पास वन सॉरी टू एंड थ्री ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे विच से फॉलोइंग इज अली इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइस इन इंडिया ऑन फॉर एक्स रेट अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं प्राइसेस इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द द राइजिंग प्राइसेस विल मेक एक्सपोर्ट कम्पिटेटिव अगेन वेरी रॉन्ग राइजिंग प्राइसेस विल ईट डाउन योर योर कंपिटेटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट Second, it will result in attracting more forex flows into the economy due to rising interest rates. Obviously. Agar inflation increase ho raha hai and the central bank of your country simultaneously is trying to increase the interest rate. In that case, since interest rates are increasing, people or foreigners will be more attracted to invest in India.

सेंट्रल बैंक इज नॉट इंक्रीजिंग रेट अराउंड इंडियनरी प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा ये करेक्ट है ये करेक्ट है एंड लास्टली प्राइसिस इन वीकनिंग द रूपी यस अगर बहुत ज्यादा प्राइसिस इंक्रीज हो रहा है इंफ्लेशन होगा और इन्फ्लेशन के वजह से आपकी रूपी भी डेप्रीशिएट करेगी बिकॉज राइजिंग प्राइसेस रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन विल ईट डाउन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल प्लस एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव को खा जाएगी सो टू थ्री टू थ्री एंड फोर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आई होप आपको समझ आ गया होगा जो भी हमने डिस्कस किया द आंसर्स आर प्रोवाइडेड टू यू ओवर हियर And this was all for today that I wanted to discuss with you. I hope you enjoyed the session. In case of any doubt, you can always write it down in the comment section. And stay tuned for such videos. Every month we are going to do the revision of whatever we do the entire month. Take care, keep studying and bye bye.